हमारे पास क्या होता कि हम परमात्मा भक्ति कर पाए। कोई यह सोचता है कि मंदिर अच्छा हो तो परमात्मा भक्ति अच्छी होती है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। जिनके पास मंदिर नहीं है वो भी परमात्मा भक्ति में जुड़ सकते हैं। जंगलों में बैठकर साधु संत परमात्मा की भक्ति में जुड़ जाते थे, वहां कोई मंदिर नहीं होते थे। मंदिर अच्छा हो तो ही परमात्मा की भक्ति हो सके, ऐसा कुछ नहीं है। परमात्मा की प्रतिमा श्रेष्ठ हो तो ही परमात्मा की भक्ति हो सके, ऐसा कुछ नहीं है। भक्ति के लिए साधन उपकरण आपके पास हो तो ही आप परमात्मा की भक्ति कर सको, ऐसा भी कुछ नहीं है। भक्ति कराने वाला कोई हो तो ही आप परमात्मा की भक्ति में जुड़ सको, ऐसा भी कुछ नहीं है। भक्ति की प्रेरणा करने वाला कोई हो तभी आप परमात्मा की भक्ति कर सकते हो, ऐसा भी कुछ नहीं है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि यदि परमात्मा भक्ति में जुड़ना है तो तीन चीजें हमारे पास होनी चाहिए। यदि हमारे पास तीन चीज है तो निश्चित हम परमात्मा की भक्ति कर सकते हैं। कहा नंबर वन, प्योरिटी। कहा कि परमात्मा भक्ति करनी है तो तीन चीजें हमारे पास होनी चाहिए। सबसे पहले नंबर में प्योरिटी, शुद्धता। कहा कि शुद्धता, कहा कि एक हृदय की शुद्धता, दूसरी मन की शुद्धता। आप चाहे धर्म करना चाहते हो, आप चाहे परमात्मा भक्ति में जुड़ना चाहते हो, आप चाहे कुछ भी करना चाहते हो, लेकिन जीवन में ये चीज समझ लेना, हृदय की और मन की शुद्धता जब तक आपके पास नहीं है तब तक आप कुछ नहीं कर पाओगे। अशुद्धता के साथ हम चाहे कुछ भी कर ले, चाहे कितना कर ले, लेकिन रिजल्ट हमारे पास नहीं आने वाला है। अरे ये परमात्मा भक्ति की ताकत है कि पापी से पापी जीव भी शुद्ध हृदय से या शुद्ध मन से परमात्मा भक्ति में जुड़ जाए तो रिजल्ट मिल जाता है, तो निश्चित उसके हाथ में रिजल्ट आ जाता है। और हम लोग चाहे कितनी ही भक्ति कर ले, लेकिन रिजल्ट हमें प्राप्त नहीं होता, क्योंकि हमारा हृदय भी शुद्ध नहीं है और हमारा मन दिमाग बुद्धि भी शुद्ध नहीं है। और इसीलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं, प्योरिटी। आज संसार में आप कुछ भी खरीदने जाते हो, कुछ भी लेने जाते हो, तो एक चीज जांच करते हो कि चीज प्योर है या नहीं है। आप चाहे कोई भोजन का सामान खरीदो, आप चाहे कोई भी चीज खरीदो, लेकिन एक आप निश्चित तौर पर चेक करते हो कि चीज प्योर है या नहीं। इसी तरह से जब हम परमात्मा के शरण में जाते हैं, परमात्मा भक्ति में जुड़ते हैं, परमात्मा भक्ति में जुड़ने की कोशिश करते हैं, तब परमात्मा भी हमारी एक ही चीज चेक करता है कि इसका हृदय प्योर है या नहीं। हृदय में कोई गंदगी तो नहीं है ना, मन में कोई अशुद्धि का भाव तो नहीं है ना। और आज के आदमी की सबसे बड़ी बीमारी यह है, आज के आदमी की सबसे बड़ी परेशानी यह है कि वो भीतर से कुछ और है, बाहर से कुछ। कई बार देखा जाता है कि जो व्यक्ति परमात्मा के मंदिर में जाकर के परमात्मा की स्तवना करता हो, परमात्मा की स्तुति गान करता हो, परमात्मा के लिए अच्छे शब्दों का इस्तेमाल करता हो, वही व्यक्ति शायद बाहर आकर के गंदे शब्दों का इस्तेमाल करता हो। आज के आदमी की सबसे बड़ी बीमारी यह है, आज के आदमी की सबसे बड़ी परेशानी यह है, वो भीतर से कुछ और है, बाहर से कुछ और है, कहता कुछ और है, करता कुछ और है। अने आपणे त्यां तो गुजरातीमां सरस मजानी कहेवत छे, भोळाना भगवान। के भगवान तमारा क्यारे थई सके, ज्यारे तमारा जीवननी अंदर भोळपण नामनो गुण होय ने तो ज तमारा भगवान थई सके। हमारे यहां कहा जाता है कि भोले के भगवान होते, जो सरल होता है उसी के ऊपर परमात्मा के आशीर्वाद बरसते हैं, जो सरल होता है उसी को परमात्मा की कृपा प्राप्त होती है, जो सरल होता है वही परमात्मा भक्ति में डूब सकता है, जो सरल होता है वही परमात्मा भक्ति में आगे बढ़ सकता है, जो सरल होता है वही परमात्मा के समीप जा सकता है, जो मन से कपटी है, भीतर से कुछ और लेकर बैठा हुआ है, वो कभी भी परमात्मा भक्ति में आगे नहीं बढ़ पाता। इसलिए मैं तो कई बार कहता हूं, ये आज का समय है और आज के समय में सीए बनना सरल है, इंजीनियर बनना सरल है, आर्किटेक्ट बन जाना सरल है, शायद आईएएस ऑफिसर बनना भी सरल है, लेकिन सरल बनना बड़ा कठिन है। आदमी सीए बन जाता है, आर्किटेक्ट बन जाता है, इंजीनियर बन जाता है, आईएएस ऑफिसर बन जाता है, एमए कर लेता है, एमकॉम कर
कर लेता है, एमबीए कर लेता है, बिजनेस में मास्टर्स कर लेता है, सब कुछ करना आज के समय में बड़ा सरल है, लेकिन सरल बनना बड़ा कठिन है। आज का आदमी सरल नहीं बन पाता। और मैं तो कहता हूं कि आज के समय का सबसे बड़ा तप यदि कोई है तो वह एक ही है, जैसे भीतर है वैसे बाहर रहना। हम क्या रहेगा पढ़ने हम लागे के मासक समान सौथी मोटो तप हो सके, 16 उपास सौथी मोटो तप हो सके, 28 सौथी मोटो तप हो सके, पर मने घणी वक्त एम थाय कि आजना समय में सौथी मोटी तपस्या जो कोई होय ने, सौथी मोटो तप जो कोई होय ने, तो एक ज छे, जेवा अंदर छे एवा बाहर रहेवू ए सौथी मोटी तपस्या छे। बहु कठिन थाय, बहु मुश्किली आवे, जेवा भीतर छे एवा बाहर रहेवामां बहु तकलीफ आवे, ए सौथी मोटी तपस्या आजना लोको माटे छे। और इसीलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं कि जीवन में समझिएगा, यदि परमात्मा भक्ति आपको करनी है तो तीन क्वालिटी आपके पास होनी चाहिए, तीन चीजें आपके पास होनी चाहिए। नंबर वन प्योरिटी, हार्ट एंड माइंड दोनों आपके प्योर होने चाहिए। नंबर टू क्वालिटी, ताकि परमात्मा भक्ति में आपको आगे बढ़ना है तो प्योरिटी तो चाहिए लेकिन क्वालिटी भी चाहिए। हृदय के मामले में प्योरिटी चाहिए और आराधना और क्रिया के मामले में क्वालिटी चाहिए। कई लोग ये सोचते हैं कि जो मंदिर में जाकर के 2, 5, 7, 10 घंटे बैठ जाए वह परमात्मा का सबसे बड़ा भक्त है। मैं कहता हूं जरूरी नहीं। परमात्मा का सबसे बड़ा भक्त वो है जो मंदिर में जाए और सब भूल जाए और परमात्मा के साथ जुड़ जाए, वह परमात्मा का सबसे बड़ा भक्त है। सवाल उठे हमारे सामने कि परमात्मा का सबसे बड़ा भक्त कौन है संसार में? जो मंदिर में जाकर के 2, 5, 10 घंटे बैठ जाता हो वो परमात्मा का सबसे बड़ा भक्त है? जो अच्छे द्रव्य सामग्री लेकर के जाता हो वो परमात्मा का सबसे बड़ा भक्त है? जो परमात्मा की घंटों तक पूजा करते रहता हो वो परमात्मा का सबसे बड़ा भक्त है? शास्त्रकार भगवंत कहते हैं कि नहीं, परमात्मा का सबसे बड़ा भक्त वो है जो जब भी मंदिर में जाए तो दुनिया से डिस्कनेक्ट हो जाए, जो दुनिया से छूट जाए, उसके मन में से दुनिया निकल जाए, उसके मन में से संसार निकल जाए और जितना भी समय परमात्मा के साथ रहे, जितना भी समय परमात्मा के सामने रहे, जितना भी समय परमात्मा से सामने रहे, परमात्मा से जुड़कर रहे, वही परमात्मा का सबसे बड़ा भक्त है, याद रख लेना। आप कितना समय मंदिर में रहते हो यह मायने नहीं रखता, लेकिन आप जब भी मंदिर में जाते हो तो आपका मन कहां होता है, आपका मस्तिष्क कहां होता है, आपके हृदय में क्या भाव चलते हैं, आपकी बुद्धि कहां जाती है, आपके मन में क्या विचार चलते, इसी ये बड़ा मायने रखता है। और इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं जीवन में कोशिश करना, जब भी परमात्मा भक्ति में जुड़े, परमात्मा के भक्त आप बनना चाहते हो, क्वालिटी मेंटेन करें, नियम कर ले, निर्णय कर ले, जब भी मंदिर में जाएंगे दुनिया से डिस्कनेक्ट होने की कोशिश करेंगे। हम तो मंदिर में जाकर के भी दुनिया से या संसार से डिस्कनेक्ट नहीं हो पाते, छूट नहीं पाते, वहां से दूर नहीं हो पाते, वहां जाकर के भी हमारे माइंड में हमारा संसार चालू रहता है, वहां जाकर के भी हमारे हृदय में हमारे संसार के भाव रममान रहते हैं। इसलिए कहीं ना कहीं परमात्मा भक्ति हमें तारने वाली नहीं बनती। और इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं यदि आपके सामने प्रश्न खड़ा हो कि परमात्मा का सबसे बड़ा भक्त कौन सा, तो जवाब दे देना, परमात्मा का सबसे बड़ा भक्त वो जो मंदिर में जाए और सब कुछ भूल जाए। इसलिए आजकल के लोगों को जब देखते हैं, आजकल के लोगों के ऊपर जब दृष्टिपात करते हैं तो लगता है कि आज के लोगों का ध्यान क्वालिटी में कम है और क्वांटिटी में ज्यादा है। उनको लगता है ज्यादा आराधना साधना हो जाए तो बढ़िया, ज्यादा क्रियाएं हो जाए तो बढ़िया, ज्यादा समय हो जाए तो बढ़िया, ज्यादा परमात्मा की स्पर्शना हो जाए तो बढ़िया, ज्यादा परमात्मा की पूजा हो जाए तो बढ़िया, ये उनके माइंड में चलते रहता है। इसलिए मुझे कहने का मन होता है कि आज के लोगों का ध्यान क्वांटिटी में बहुत ज्यादा है, क्वालिटी में बहुत कम है। लेकिन यदि आप परमात्मा भक्ति के क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहते हो, तीन चीजें बड़ा मायने रखती है। नंबर वन प्योरिटी, नंबर टू क्वालिटी, एंड नंबर थ्री श्योरिटी। कहा गया हृदय और मन के मामले में प्योरिटी चाहिए।
आराधना और क्रिया के मामले में क्वालिटी चाहिए और श्रद्धा और विश्वास के मामले में श्योरिटी चाहिए। जिस किसी के भी ऊपर आपकी श्रद्धा हो, लेकिन मैं आपसे यह कहना चाहता हूं, श्रद्धा पूरी रखना। आधी अधूरी श्रद्धा आपको नहीं तारेगी। आधी अधूरी श्रद्धा में यह ताकत नहीं है कि आपको तार सके। जब पूरी श्रद्धा हो, जब पूर्ण श्रद्धा हो, वही आपको तार सकती है। आज के आदमी की परेशानी यह है, वो भटकता बहुत है, इसलिए भटकता ही रह जाता है। जीवन में देव भी बहुत सारे पूजे, श्रद्धा भी बहुतों के ऊपर, इसलिए कभी जरूरत पड़ी तो यहां चला गया, कभी जरूरत पड़ी तो वहां चला गया, कभी जरूरत पड़ी तो इनके पास चला गया, कभी जरूरत पड़ी तो उनके पास चला गया। यही जीवन भर चलता रहता है। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आप जितने भटकते रहोगे, उतने ये भव सागर में भी भटकते रहोगे। श्रद्धा ही तार सकती है। श्योरिटी, श्रद्धा के मामले में, फेथ के मामले में, विश्वास के मामले में श्योरिटी चाहिए कि नहीं, जहां है वहां पूरी श्रद्धा है, चाहे देव हो चाहे गुरु हो, जहां श्रद्धा हो वहां पूर्ण रूप से। और आधी श्रद्धा कभी हो ही नहीं सकती, समझना। श्रद्धा या तो होती है या तो नहीं होती, विश्वास या तो होता है या तो नहीं होता, ट्रस्ट या तो होता है या तो नहीं होता, फेथ या तो होता है या तो नहीं होता। आधी अधूरी श्रद्धा जीवन में कभी भी हो नहीं सकती। और इसीलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं, शास्त्रकार भगवंत कहते हैं कि भक्ति के क्षेत्र में तीसरी चीज यदि कोई चाहिए तो निश्चित तौर पर वह है श्योरिटी। आप श्योर हो जाओ कि यहां मेरी श्रद्धा जुड़ी है, यहां मेरा पूर्ण विश्वास है, यहां मेरी पूर्ण आस्था है। चाहे वो कोई भी मार्ग पर ले जाए, वो गुरु जो कोई भी मार्ग पर ले जाए, लेकिन वहां जब श्योरिटी होगी श्रद्धा के मामले में, विश्वास के मामले में, तभी जाकर हम जीवन में कुछ कर पाएंगे, तभी जाकर जीवन में कुछ प्राप्त कर पाएंगे। और इसीलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं कि यदि आप चाहो कि मुझे परमात्मा भक्ति करनी है, यदि इंसान चाहे कि मुझे परमात्मा भक्ति करनी है, परमात्मा भक्ति में जुड़ना है, परमात्मा भक्ति में आगे बढ़ना है, तो ना कोई बड़े मंदिरों की जरूरत है, ना कोई बड़ी प्रतिमाजियों की जरूरत है, ना किसी की प्रेरणा की जरूरत है, ना कोई आलंबन की जरूरत है। लेकिन ये तीन चीजें आपके पास है तो आप निश्चित तौर पर श्रेष्ठ परमात्मा भक्ति कर सकते हो। इसलिए मैं आपसे कहता हूं, प्योरिटी हृदय और मन में, प्योरिटी का भाव हो, आराधना और क्रिया में क्वालिटी का भाव हो, और श्रद्धा और विश्वास में श्योरिटी का भाव हो, तो निश्चित तौर पर आप परमात्मा भक्ति के क्षेत्र में आगे बढ़ सकते। प्रेम भक्ति आराधना प्रवचन के अद्भुत संगम से जुड़ने के लिए सब्सक्राइब करें गुरु प्रेम मिशन की YouTube चैनल को, और ताज़ा अपडेट के लिए बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें।